हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे LTE यानी 4G की रिटेनेबिलिटी KPI के बारे में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिटेनेबिलिटी। रिटेनेबिलिटी होती क्या है, इस क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से इसमें डिग्रेडेशन हो जाता है, KPI ख़राब हो जाती है हमारी, ठीक है, और उन्हें शोल करने के क्या क्या प्रोसेस हैं वो जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए मेजर रीज़न फॉर पुअर रिटेनेबिलिटी। अगर आपकी रिटेनेबिलिटी ख़राब हो रही है, पुअर हो रही है, तो उसके मेजर रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि पुअर कवरेज हो सकता है, अलार्म हो सकता है साइट पर, हाई लोड हो सकता है यानी हाई ट्रैफिक है तो उसकी वजह से भी आपकी रिटेनेबिलिटी डिग्रेड हो सकती है, हार्डवेयर इश्यू हो सकता है, रिसेट फर्स्ट यानी हार्डवेयर को रिसेट करके देख सकते हैं आप। इफ़ रिक्वायर्ड रिप्लेस आर, अगर रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है आपको, तो आपको क्या करना है, आर को रिप्लेस कर देना है। वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो ओवर थ्री शोल्ड आपको चेक करना है, हैंड ओवर फेलियर हो रहा है, ठीक है, तो आपको वो भी चेक करना है। इफ़ ए सेक्टर इज हैविंग हाई हैंड ओवर एग्जीक्यूशन फेल, अगर आपका ज़्यादा ही हैंड ओवर फेल होते जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, इससे जो होता है पुअर रिटेनेबिलिटी हो जाती है। सॉल्यूशन क्या है इसका, द काउंटर PM ERAV रिलीज एबनॉर्मल ई नोड बी एक्शन हैंड ओवर इज चेकड, तो आपको क्या करना है, हैंड ओवर चेक करने के लिए ये आपका एक काउंटर है जिसकी हेल्प से आप हैंड ओवर चेक कर सकते हैं। इफ़ दिस काउंटर इज पेजिंग हाई, अगर आपका ये काउंटर जिससे आप चेक करेंगे वो हाई जा रहा है, पेजिंग हाई जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इम्प्लाइज पुअर रिटेनेबिलिटी एंड रेजोल्यूशन ऑफ सेक्टर हैंड ओवर सक्सेस रेट इज रिक्वायर्ड, यानी क्या होगा, आपकी पुअर रिटेनेबिलिटी होगी अगर ये आपका पेजिंग हाई जा रही है, अगर जब आप इस काउंटर की हेल्प से चेक करते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रिटेनेबिलिटी केस हैं, स्टडी है, ये एक एग्जाम्पल दे के समझाया गया है, यानी किसी साइट का एक एग्जाम्पल लिया गया है। साइट पर रिटेनेबिलिटी डिग्रेड हो रही थी, उसकी वजह से जो भी सॉल्यूशन किए गए हैं वो आपको आज बताया जाएगा रिटेनेबिलिटी केस स्टडी में। केस आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 केस दिए गए हैं। केस वन में यानी DLUL मैक्स RET TX थ्री सोल्ड RB, ठीक है, ट्रायल। केस वन टू में देख सकते हैं हाई ULRS SI हो सकती है। केस थ्री में टी इनएक्टिविटी टाइमर होता ही रैप जिस ड्रॉप रेट जिसकी वजह से इंप्रूव हो जाता है। केस फोर रिटेनेबिलिटी ड्रॉप ड्यू टू ट्रैफिक डिप हो रहा है। केस फाइव है पार्ट ऑफ सेक्टर पावर। केस सिक्स में रिटेनेबिलिटी इशू ड्यू टू हैंड ओवर फेलियर। केस सेवन में आप देख सकते हैं हैंड ओवर फेल हो रहा है आपका, कोज रिटेनेबिलिटी इशू, ठीक है। हैंड केस आठ में आप देख सकते हैं रेडियो लिंक इश्यू की वजह से भी आपकी KPI डिग्रेड हो जाती है। केस नाइन में देख सकते हैं MME ड्रॉप, और केस टेन में आप देख सकते हैं केबलिंग और कंबाइनर इश्यू हो जाता है, ठीक है, उनकी वजह से भी आपकी रिटेनेबिलिटी डिग्रेड हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले काउंटर फॉर्मूला देखिए, फिर आखिर रिटेनेबिलिटी है क्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन आपको दिखे, रिटेनेबिलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए यूजर टू रिटेन द ERAV वंस कनेक्टेड, ठीक है, ये क्या है, एबिलिटी ऑफ ए यूजर टू रिटेन ERAV वंस कनेक्टेड, ठीक है, फॉर ए डिजायर्ड ड्यूरेशन। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ERAV रिटेनेबिलिटी ड्रॉप्स पर सेकंड के लिए जो आपका काउंटर फॉर्मूला है वो देख सकते हैं। PM ERAV रिलीज एबनॉर्मल ई नोड बी ACT प्लस PM ERAV REL एबनॉर्मल MME ACT डिवाइड बाई PM सेशन टाइम UE, ठीक है, ये इसका काउंटर बेसिस फॉर्मूला है। दूसरा आप देख सकते हैं इसी तरीके से ERAV रिटेनेबिलिटी का परसेंटेज में आप फॉर्मूला देख सकते हैं। PM ERAV REL एबनॉर्मल ई नोड बी ACT प्लस PM ERAV REL एबनॉर्मल MME ACT डिवाइड बाई PM ERAV REL एबनॉर्मल ई नोड बी प्लस PM ERAV REL नॉर्मल ई नोड बी प्लस PM ERAV REL MME, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है, 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है। अब नेक्स्ट यहाँ पे इधर देख सकते हैं आप ERAV रिटेनेबिलिटी QCI बेसिस पे ड्रॉप पर सेकंड, आप यहाँ पे अगर फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो क्या है आपका, PM ERAV रिलीज एबनॉर्मल इनोड बी ACT QCI प्लस PM ERAV रिलीज एबनॉर्मल MME ACT QCI डिवाइड बाई PM सेशन टाइम DRB QCI, ठीक है, ये आपका QCI बेसिस फॉर्मूला है, जो आप काउंटर फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप चेक कर सकते हैं।
आगे देख लेते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ई रैप रिटेनेबिलिटी परसेंटेज फॉर इमरजेंसी कॉल्स। ठीक है, इमरजेंसी कॉल्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से आप चेक कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है उसे भी देख लीजिए। नॉर्मली दिस काउंटर इज नॉट यूज्ड, इट कैन हाउएवर समटाइम्स बी टेम्पररीली यूज। ठीक है, कभी कभी टेम्पररीली यूज होता है फॉर वेरी लेट एडिशन इन ए रिलीज। ठीक, इफ सो अगर ऐसा होता है तो फॉर डिस्क्रिप्शन सी नेटवर्क इम्पैक्ट रिपोर्ट इन द CPI। ठीक है, एक नेटवर्क इम्पैक्ट रिपोर्ट भी है जो अगर टाइम मिला तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी, उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रिटेनेबिलिटी इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, उसके लिए क्या क्या हमारे काउंटर्स होते हैं, कहाँ कौन सा काउंटर यूज होता है, वो आप इस चार्ट के जरिए जान सकते हैं। जैसे कि आप लेफ्ट में देख रहे हैं यूई कंटेक्स्ट रिलीज फ्लो चार्ट जो लेफ्ट साइड में, और जो राइट में है वो ई रैप रिलीज फ्लो चार्ट। ठीक है, ये दो चार्ट हैं, इनकी हेल्प से आपको रिटेनेबिलिटी इन्वेस्टिगेशन करना जान जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, आप अपनी हेल्प से भी या अपनी नॉलेज से भी इसे क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं उन्हें आप ध्यान में देख लीजिए। स्टेप वन में क्या है, OSS अलार्म चेक करना है, UL इंटरफेरेंस है वो चेक कर लेना है, ई रैप एबनॉर्मल रिलीज कोज क्या है आपके, ये चीज़ आपको स्टेप वन में चेक कर लेनी है। ठीक है, उनको रिजोल्व करने की कोशिश करनी है, कैसे कैसे रिजोल्व होगा। ठीक, स्टेप टू में क्या है, यूई कंटेक्स्ट एबनॉर्मल रिलीज कोज क्या है आपका, MME एबनॉर्मल रिलीज कोज क्या है, और मोबिलिटी कोज ये आपके कोज का क्या है, कैसे कैसे हो रहे हैं वो आपको चेक करना होगा। स्टेप थ्री में आता है आपका CTR एंड UETR एनालिसिस। ठीक है, आपको क्या करना है उसके बाद, ये एनालिसिस करना है, अगर ये सब करने के बाद आपकी रिटेनेबिलिटी क्या है ठीक नहीं होती है, सही नहीं होती है, KPI लेवल में नहीं आती है, KPI तब भी खराब आ रही है, तब लास्ट में जाके आपको ये चेक करना है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आप काउंटर फॉर्मूले देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। देखिए, काउंटर वाइज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्टेप्स। ठीक है, काउंटर वाइज आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उनके लिए देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, काउंटर रिलेटेड टू ई नोड बी इनिशिएटेड ई रैप रिलीज। ठीक है, उसके लिए दो काउंटर है, PM ई रैप REL नॉर्मल ई नोड बी, PM ई रैप REL एबनॉर्मल ई नोड बी ACT। ठीक है, दूसरा है नीचे देख सकते हैं, काउंटर रिलेटेड टू MME इनिशिएटेड ई रैप रिलीज। यहाँ पे MME इनिशिएटेड है और ऊपर ई नोड बी इनिशिएटेड है। ठीक है, 4G में ई नोड बी बोलते हैं टावर को। ठीक, इसके लिए MME के लिए क्या क्या फॉर्मूला है, काउंटर बेसिस फॉर्मूला PM ई रैप REL MME, सेकेंड वन है PM ई रैप REL MME ACT। ठीक है, इसके दो फॉर्मूले, ऊपर दो फॉर्मूले आप इन्हें याद कर लीजिएगा या यूज करके देख लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, ये आपको यूज करने से जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, हम नीचे नोट कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। MME ड्रॉप आर वेरी ऑल्सो वेरी हाई ड्यूरिंग पुअर RET, यानी पुअर RET कंडीशन में हमारा क्या होता है, MME ड्रॉप जो हो जाते हैं वो हाई हो जाता है। नीड टू इन्वेस्टिगेट एट MME एंड MME एंड पर आपको क्या करना होगा, इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तो देयर इज ए लिमिटेशन इन MME ड्रॉप्स एनालिसिस, कुछ लिमिटेशंस हैं MME ड्रॉप्स एनालिसिस में, कैसे क्या है, दीज कैन नॉट बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ENIQ एलोन। ठीक है, यह एनालाइज नहीं किया जा सकता किसके साथ में, अकेले ENIQ के साथ में। वी नीड MME स्टेटिक्स फॉर दिस, हमें किसकी जरूरत पड़ती है, MME स्टेटिस्टिक्स की। ठीक है, If MME drops is high, we need to investigate through the following steps. हमें क्या करना होगा, इन steps को follow करना होगा। जैसे कि if BH या core issue है तो क्या करना है, all sectors will be impacted. उस केस में हमारा क्या होता है, सभी sector impacted होते हैं इससे। If MME issue या अगर आपका MME में कुछ issue है तो उसके लिए क्या होगा, multiple site in the network will be impacted. MME में issue होने से तो आपका क्या हो जाएगा, multiple site जो उस MME से कनेक्टेड है वो सभी इंपैक्टेड होंगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, बैड HW हार्डवेयर, अगर आपका हार्डवेयर में कोई इशू है तो RRU कंबाइनर एंटीना केबलिंग इनमें कुछ इशू आ रहा है तो वो भी चेक हो जाएगा। इनकरेक्ट केबलिंग है आपकी तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं SARR इश्यूज एंड सॉल्यूशन। SARR होता है आपका सेशन एबनॉर्मल रिलीज रेट। ठीक है, इसके यहाँ पे काउंटर बेसिस आप फॉर्मूल देख रहे हैं और उनको सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स जो भी प्रोबेबल्स
आपके सॉल्यूशंस हैं वो दिए गए हैं, ठीक। आप इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्यों मैं अभी इन्हें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और टाइम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आप केस देख सकते हैं, केस स्टडी जो स्टार्टिंग में बताया गया था। पहला केस क्या है आपका, DLUL मैक्स RETX थ्री सोल्ड RB, यहाँ पे THDRB थ्री सोल्ड DRB ट्रायल। तो करंट सिनेरियो में आप देख सकते हैं चेंज DRB DL और UL मैक्स RETX थ्री सोल्ड, ठीक है। वैल्यू जो आपको क्या करना है, थ्री सोल्ड जो वैल्यू होगी वो चेंज करनी होगी। करंट पैरामीटर वैल्यू क्या आपकी 8 है। ये एक साइट में प्रॉब्लम्स थी, जो भी रिटेनेबिलिटी उसकी डिग्रेड हो रही थी, तो उसके लिए यहाँ पे स्नैप्स लगाए गए हैं। उसे कैसे कैसे सोल्व किया गया है उसका ही यहाँ पे सिनेरियो सभी दिया गया है, ठीक। करंट परफॉर्मेंस ट्रेंड यानी पुअर CFR एंड CDR ड्यू टू कंजेशन एंड पुअर मैक HERQ सक्सेस रेट, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं, एनी पैरामीटर और काउंटर वैल्यू कैन बी चेंज्ड, यानी पैरामीटर जितने भी हैं आपके या काउंटर वैल्यूज हैं वो आपको चेंज करनी पड़ सकती हैं। DL मैक्स RETX थ्री सोल्ड फ्रॉम 8 से आपको 32 करना पड़ सकता है, UL के लिए भी वही 8 से 32 करना पड़ सकता है, ठीक। डेस्क्रिप्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पैरामीटर्स चेंजेस, क्या क्या डेस्क्रिप्शन है उसके, सिग्निफिकेंसेस क्या हैं जो पैरामीटर्स आप चेंज कर रहे हैं, देख लेते हैं। दीज पैरामीटर्स आर यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग CDR, ठीक है। ये पैरामीटर्स क्या इंप्रूव करते हैं आपका CDR, वेयर यू इज फेसिंग पुअर RF कंडीशन, जब आपका जो UE होता है, ठीक है, यूजर इक्विपमेंट है फेस करता है क्या RF कंडीशन, यानी खराब होती है वहाँ पर। एंड कोल्ड ड्रॉप्स आर ड्यू टू हीटिंग एम मैक्सिमम RET थ्री सोल्ड, ठीक है, वैल्यू फ्रॉम टाइमर 310 एक्सपायर, जब आपका जो टाइमर है वो 310 एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, कोल्ड ड्रॉप्स होने लगते हैं, यानी किस कारण, ड्यू टू हीटिंग मैक्सिमम RETX थ्री सोल्ड, ठीक है। ये आपको चेक कर लेना है। यूजफुल फॉर मिड कैप साइट, ठीक है, मिड कैप साइट के लिए भी यूजफुल हो सकता है, वेयर ट्रैफिक इज नॉट टू हाई, अगर आपका ट्रैफिक साइट पे हाई नहीं है उस केस में क्या है, वंस वी इंक्रीज द वैल्यू, अगर हम इन वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, इट विल आल्सो इंक्रीज द DRB यूटिलाइजेशन, जो आपका DRB यूटिलाइजेशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक। सो वी नीड टू पोजिशंस वाइल इंक्रीजिंग द वैल्यू, जब हम इन्हें इंक्रीज करते हैं वैल्यूज को तो उस समय हमें ध्यान रखना पड़ता है। केस थर्ड में आप देख सकते हैं, सेकंड में आप देख लेंगे जो स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने, थर्ड क्या था आपका, टी इनएक्टिविटी टाइमर ERAP ड्रॉप रेट इंप्रूवमेंट, ठीक है। इस केस में क्या होता है, यहाँ पे नीचे दिया गया है, ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है ऑप्टिमाइजर लेवल पर। देखिए टी यानी टाइमर इनएक्टिविटी, टाइमर वैल्यू इज चेंज्ड फ्रॉम 61 सेकंड टू 20 सेकंड इन रीजन 6, ठीक। आफ्टर चेंजेस ए वेरी गुड इंप्रूवमेंट वाज ऑब्जर्व्ड इन ERAP ड्रॉप रेट, यानी जब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू 61 सेकंड से 20 सेकंड कर दी गई तो उस टाइम पे आपका क्या हो गया, वहाँ पे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। यानी अप्रोक्स 2% मार्जिनल इंप्रूवमेंट, अप्रोक्स 2% वहाँ पे इंप्रूवमेंट हो गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है आपका, देखिए नंबर ऑफ RRC अटेम्प्ट्स इंक्रीज्ड, यानी RRC अटेम्प्ट जो आपके फेल हो रहे थे वो इंक्रीज्ड हो गए, एज टाइमर डिक्रीज अकॉर्डिंगली UE कुड अटेम्प्ट अगेन व्हाइल RRC_EST_SR इज फॉलोइंग द सेम ट्रेंड रेंज, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ERAP रिटेनेबिलिटी परसेंटेज मच इम्प्रूवड, यानी जो रिटेनेबिलिटी परसेंटेज थी ERAP की वो भी इम्प्रूव हो गई इस केस में, अगर आप जो हमने ये सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट केस में चलते हैं, केस फोर क्या है आपका, रिटेनेबिलिटी ड्रॉप ड्यू टू ट्रैफिक डिप, ठीक है, ट्रैफिक डिप होने की वजह से भी आपका जो रिटेनेबिलिटी ड्रॉप होने लगती है। तो देखिए वीकेंड में क्या होता है, ट्रैफिक इज लेस ड्यू टू साइट इज इन बिजनेस एरिया एंड रिटेनेबिलिटी, वहाँ पे क्या था जिसका ये एग्जांपल दिया गया है कि जो वीकेंड होते हैं, वीकेंड में क्या होता है ट्रैफिक कम हो जाता है, यानी छुट्टियां मनाने चले जाते हैं लोग, तो मकानों में कोई रहता नहीं है, बिल्डिंग्स में कोई रहता नहीं है, सभी अगर छुट्टियां मनाने चले जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है आपका जो ट्रैफिक कम हो जाता है, यानी बिजनेस एरिया है या कोई ज़्यादा बड़े अच्छी रूरल एरिया है या पैसे वाले लोग जहाँ पे रहते हैं, ठीक है। आज छुट्टियों के दिनों में क्या होता है, सभी
छुट्टी मनाने चले जाते हैं, तो वहाँ उस टाइम पे क्या होता है आपका जो ट्रैफिक होता है वो कम हो जाता है, ठीक। तो उस टाइम पे क्या होता है, रिटेनेबिलिटी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली फॉर अल्फा सेक्टर आफ्टर चेंजिंग डाउन टिल्ट। उस टाइम पे क्या हुआ, देखिए जब डाउन टिल्ट किया गया तब वहाँ पर क्या हुआ, अल्फा सेक्टर जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, रिटेनेबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही थी, डिग्रेड हो रही थी, वहाँ पे क्या हो गया, वो रिटेनेबिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पार्ट ऑफ सेक्टर पावर, पार्ट ऑफ सेक्टर पावर, सेक्टर पावर की वजह से भी काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं। इश्यू क्या है, नियर बाई साइट मे बी ऑन एयर विच इज हैविंग पार्ट ऑफ सेक्टर पावर इक्वल टू 100% विच कोज डिग्रेडेशन इन हैंड ओवर सक्सेस रेट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिक्स, जैसे कि रिटेनेबिलिटी इश्यू ड्यू टू हैंड ओवर फेलियर, हैंड ओवर फेलियर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइम में हैंड ओवर अगर ज़्यादा फेलियर होते हैं तो रिटेनेबिलिटी काफ़ी डिग्रेड हो जाती है। यहाँ पे देखिए हैंड ओवर सक्सेस परसेंटेज कितनी है, 91.32, 87.03, 92.68, तो यहाँ पे काफ़ी कम हो गया, 87.03। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईरेट, यहाँ पे आईरेट रेट परसेंटेज में देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1.14 था, 0.73 कितनी परसेंटेज में आपका आ रहा है। तो रिटेनेबिलिटी यहाँ पे आप चेक सकते हैं, ड्रॉप आपके कितने हो रहे हैं, ड्रॉप देखिए इस दिन दो हुए, इससे यहाँ पे 73, यहाँ पे 59, काफ़ी ड्रॉप बढ़ते जा रहे हैं, कम हो रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो हैंडओवर की वजह से भी अगर हैंडओवर फेल हो रहा है आपका, तो हैंडओवर की वजह से भी क्या होता है आपका, काफ़ी रिटेनेबिलिटी डिग्रेड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हैंडओवर फेल कोज रिटेनेबिलिटी इश्यू, यहाँ पे आप ग्राफ के जरिए समझ सकते हैं। नेक्स्ट है रेडियो लिंक इश्यूज, रेडियो लिंक इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम ड्राइव टेस्ट एनालिसिस, जब ड्राइव की गई उससे एनालिसिस क्या गया, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ए लार्ज पोर्शन ऑफ द ड्रॉप कॉल्स वर ड्यू टू पुअर रेडियो एनवायरनमेंट, ठीक है। जो लार्ज पोर्शन था आपका ड्राइव करने के बाद दिखा कि वहाँ पे कवरेज की प्रॉब्लम थी, यानी वहाँ पे प्रॉपर कवरेज नहीं मिल पा रहा था, तो जस्ट बिफोर हैंडओवर यानी हैंडओवर होने से पहले क्या प्रॉब्लम थी, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द यूई साइनर वाज पुअर, यानी हैंडओवर होने से पहले यानी जो यूई था वो क्या आपका सैंपल्स दे रहा था, साइनर पुअर, एंड दिस कोज द यूई टू ड्रैग द कॉल इन पुअर रेडियो कंडीशन, तो यही यह प्रॉब्लम हो रही थी, वही जो आपके यूई को क्या कर रहा था, ड्रैग कर दे रहा था पुअर रेडियो कंडीशन में, ठीक। रेदर देन हैंड ओवर फास्ट ओवर, यानी वो हैंड ओवर फास्ट नहीं कर रहा था, जबकि उसे हैंड ओवर देना चाहिए था, वो क्या कर रहा था, साइनर खराब हो रहा था, और उसकी वजह से साइनर खराब होने की वजह से जो रेडियो कंडीशन है वो भी खराब हो रही जा रही थी और हैंड ओवर भी नहीं हो पा रहा था। टू ए नेवर सेल विद बेटर आरएसएस पाई, यानी जो हमारा आरएसएस आरपी जहाँ अच्छी थी वहाँ पे हैंड ओवर नहीं दे पा रहा था। इन दिस ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट टू पैरामीटर्स आर रिकमेंडेड टू बी ट्यून्ड, यानी उस टाइम पे दो पैरामीटर्स थे उनको जो ट्यून्ड करना पड़ा, क्या थे, A3 ऑफसेट एंड A2 थ्रेशोल्ड आरएसआरपी प्राइमरी, ठीक है। ये दो थे जिनको चेंज किया गया, जैसे A3 ऑफसेट क्या है, चेंज फ्रॉम 3 to 2 dB कर दिया गया, A2 इवेंट्स के लिए, A2 पैरामीटर्स के लिए थ्रेशोल्ड आरएसआरपी प्राइमरी क्या, चेंज फ्रॉम -120 से -110 dBm, ठीक है, इनको चेंज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ए ट्रायल वाज आल्सो कंडक्टेड टू इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ द चेंजिंग द वैल्यूज बिलो फॉर ए फ्यू साइट विद हाई DCR, ठीक है। डेटा रेडियो बियरर हो गया आपका, उसके लिए काउंटर्स हैं जिनको चेंज किया गया, 8 से 32 कर दिया गया। सिग्नलिंग रेडियो बियरर, उसके लिए काउंटर DL Max RETX थ्रेशोल्ड या UL Max RETX थ्रेशोल्ड चेंज कर दिया गया 8 से 32, ठीक। विद करंट A3 सेटिंग, A3 इवेंट हैंडओवर विल बी परफॉर्म्ड व्हेन नेबरिंग सेल इज ग्रेटर देन A3 ऑफसेट प्लस हिस्टेरेसिस यानी RSRP ऑफ द करंट सर्विंग सेल, ठीक। A3 ऑफसेट यानी 3 dB स्ट्रेसिस क्या हो गया आपका, 1 dB। हैंडओवर विल ओनली बी परफॉर्म वंस नेवर सेल RSRP, यानी जो हैंडओवर कब होगा, जब RSRP हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 4 dB ऑफ सर्विंग सेल, जो हमारा सर्विंग सेल है उससे 4 dB अधिक होगा, नेबरिंग सेल की वैल्यू अच्छी होगी तो क्या होगा, हैंडओवर हो जाएगा। दस इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सपीडेट द हैंड ओवर विद रिडक्शन ऑफ A3 ऑफसेट टू 2 dB, ठीक है। क्या करा उसने, A3 ऑफसेट को 2 dB डिक्रीज कर दिया, रिडक्शन कर दिया उसमें, ठीक है। आफ्टर द पैरामीटर चेंज इट वॉज ऑब्जर्व दैट द ड्रॉप कॉल ड्यू टू कॉल ड्रैगिंग वॉज रिड्यूस, यानी ड्रॉप कॉल क्या हो गया आपकी, रिड्यूस हो गई उस टाइम पे जो ड्रैग हो रही थी, ठीक है। इन ए क्लस्टर ऑफ 20 sites, यानी 20 sites का क्लस्टर था उस वहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये चीज़ करने थे, सिर्फ ये चीज़ करने से जो कॉल आपकी ड्रॉप हो रही थी, कॉल ड्रैग होती जा रही थी, वो
इम्प्रूव हो गया, ठीक हो गया। आर एल फेलियर टाइमिंग यानी रेडियो लिंक फेलियर टाइमिंग है, तो टी पोल आर ई ट्रांसमिट इक्वल टू 45 मिली सेकेंड, एस आर बी 55 मिली सेकेंड फॉर डी आर बी, यानी एस आर बी यहाँ पे हो गया सिग्नलिंग रेडियो बियरर और 50 मिली सेकेंड हो गया डी आर बी यानी डेटा रेडियो बियरर, ठीक है। इनके लिए इफ ट्रांसमिशन लिमिट्स इंक्रीज फ्रॉम 8 से 32 यानी ट्रांसमिशन लिमिट जो थी इंक्रीज कर दी गई 8 से 32, तो रेडियो लिंक फेलियर ड्यू टू रीट्रांसमिशन लिमिट रीच्ड आपकी पहुंच जाती है एस आर बी के लिए यानी सिग्नलिंग रेडियो बियरर के लिए 360 मिली सेकेंड फॉर 8 और 1440 मिली सेकेंड हो जाती है 32 के लिए, और डी आर बी में यानी डेटा रेडियो बियरर के लिए 400 मिली सेकेंड 8 के लिए टू 1600 मिली सेकेंड 32 के लिए, ठीक है। एमओ क्लास यहाँ पे आप देख सकते हैं, पैरामीटर्स देख सकते हैं और रेंज उनकी क्या क्या हो सकती है ये देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप नीचे देख लीजिए ग्रीन कलर में एक बॉक्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइमर है, टाइमर 310 लेस देन 2000 मिली सेकेंड होना चाहिए। देयर फोर फ्रॉम ड्राइव टेस्ट एनालिसिस इट इज ऑफन ऑब्जर्व दैट द ड्रॉप अकर बिफोर टाइमर 310 टाइम आउट बिकॉज आर ई टी एक्स हिट्स अपर लिमिट फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, केस पर, केस 9 है, केस स्टडी ऑफ यानी ये साइड थी एक एमएमई ड्रॉप हो रहा था, उसमें क्या केस स्टडी की गई है। बिलो आर द स्टेप्स टू आइसोलेट इफ इशू इज रिलेटेड टू साइट, ठीक, क्या है, वेरीफाई साइट कॉन्फ़िगरेशन यानी टिल्ट पैरामीटर्स वो चेक कर लिए गए, वेरीफाई अलार्म ऑन साइट, साइट पे अलार्म तो नहीं है वो चेक कर लिया गया, चेक यूएल नॉइज फॉर द साइट वो चेक करना पड़ा, चेक एलटीई ट्रैफिक चेक करना पड़ा ऑन साइट फ्रॉम कुकपिट या ENIQ, ठीक है, वो चेक करना पड़ा, वेरीफाई ट्रैफिक मेक सेंस बेस्ड ऑन साइट लोकेशन यानी गूगल की हेल्प से वो सब चेक किया गया, कंपेयर LTE ट्रैफिक विद नेबर साइट इन द सेम एरिया, ठीक, यानी कंपेयर करा गया जो ट्रैफिक है नेबरिंग साइट से जो आपका एरिया है उसमें सभी को चेक किया गया, कंपेयर LTE ट्रैफिक फॉर साइट विद CDMA या EVDO ट्रैफिक, सभी के साथ आपको क्या करना पड़ा LTE के ट्रैफिक को चेक करना पड़ा, कंपेयर करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा सेक्टर हैज हाई डी सी डी आर कोल्ड ड्रॉप रेट, यहाँ पे हाई है, बीटा सेक्टर हैज हाई एमएमई ड्रॉप्स, ठीक, ये आपको ग्राफ के जरिए दिखाया गया। अब यहाँ पे बीटा सेक्टर हैज हाई एमएमई ड्रॉप वेयर एज अल्फा सेक्टर आर नॉट बैड, तो आरसीए फ्रॉम टीम वाज बीएच या कोर इशूज, इफ बीएच या कोर इशूज ओल्ड सेक्टर विल बी इम्पैक्टेड, ये आपको बता दिया गया था, ठीक। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज़ चेक करनी है अगर आपका यहाँ पे इशू होता है। नेक्स्ट पॉइंट था आपका यहाँ पे कंबाइनर इशू हो गया, जैसे केबलिंग इशू हो गया, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनको ग्राफिकली समझाया गया, डायग्राम के जरिए समझाया गया, आप यहाँ पे जो थ्योरी लिख रही है आप उनके हेल्प से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए RFS कंबाइनर हैज फोर पोर्ट्स, जो आपका RFS कंबाइनर होता है वो फोर पोर्ट्स का होता है, वन एंड दैट कनेक्ट टू RRU, उसका एक एंड RRU से कनेक्ट होता है, और टू पोर्ट ऑन द अदर एंड कनेक्टेड टू एंटीना, और दो पोर्ट्स उसके किससे कनेक्ट होते हैं, एंटीना से कनेक्ट होते हैं। कोमोस्कोप कंबाइनर जो होता हैज टू पोर्ट्स, उसमें दो पोर्ट्स होते हैं कोमोस्कोप कंबाइनर्स में, ऑन वन एंड दैट कनेक्ट टू RRU यानी दो पोर्ट्स कनेक्ट होते हैं RRU से, और फोर पोर्ट्स ऑन अदर एंड यानी जो अलग चार पोर्ट्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं RRU से, 24 RRU और 24 एंटीना, दो RRU से कनेक्ट होंगे और दो किससे होंगे, एंटीना से, ठीक। मोस्ट कॉमन इश्यू इज CX टीम कनेक्ट टू पोर्ट्स ऑन वन एंड दैट शुड बी कनेक्टेड टू RRU टू द एंटीना एंड कनेक्ट RRU टू द फोर पोर्ट्स ऑन द अदर एंड, ठीक है। CX टीम की हेल्प से इस इशू को सोल्व किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेबल शूटिंग विद CX टीम जो होती है उसकी हेल्प से कैसे सोल्व किया। CX टीम वेंट टू साइट पे गई एंड फाउंड इनकरेक्ट कंबाइनर केबलिंग, जो कंबाइनर की केबलिंग थी वो गलत लगी हुई थी, उनको चेक किया गया CX टाइम ने जाकर, फिक्सिंग द केबलिंग जो केबल थी उनको फिक्स किया गया। डिडेंट सोल्व इशू ऑन दिस साइट, यानी जब भी सोल्व अगर नहीं हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, रिप्लेसिंग द कंबाइनर, उन्होंने कंबाइनर को रिप्लेस कर दिया। डिडेंट सोल्व इशू ऑन दिस साइट, फिर भी अगर उस साइट पे इशू सोल्व नहीं हुआ उसके बाद क्या हुआ, मेजोरिटी ऑफ टाइम फिक्सिंग द केबलिंग एंड और रिप्लेसिंग द कंबाइनर वी सोल्व द इशू बट फॉर दिस साइट डिडंट कैन बी, यानी नहीं हो सकता, तो इनकरेक्ट न्यू कंबाइनर केबलिंग वॉज नॉट करेक्टेड, यानी जो न्यू कंबाइनर था वो भी सही नहीं था, वो केबलिंग भी ठीक से कनेक्टेड नहीं थी, तो रिक्वेस्टेड CX टीम टू बाईपास द कंबाइनर टू सी इफ ट्रैफिक इम्प्रूव्स,
ठीक है, सीएक्स टीम से क्या रिक्वेस्ट की गई, जो कंबाइन को बाईपास करें यानी ट्रैफिक को इम्प्रूव करने के लिए। तो अल्फा सेक्टर ऑफ यूई इंक्रीज फ्रॉम 2 से 50, तो अल्फा सेक्टर पे क्या हुआ यूई के लिए 2 से 50 हो गया, और बाईपासिंग कंबाइनर कंफर्म्ड देयर वाज कवरेज इशू। तो बाईपास जो कंबाइनर था उससे पता चला कि वहां पे क्या था, कवरेज इशू था। बाईपासिंग कंबाइनर कंफर्म्ड द इशू इज ऑन द टावर नॉट ग्राउंड, यानी टावर पे प्रॉब्लम थी, ग्राउंड पे कोई प्रॉब्लम इशू नहीं था। बाईपासिंग कंबाइनर कंफर्म द इशू इज नॉट ड्यू टू बीएचसी या कोर, ठीक है, ये इशू इस तरीके से सोल्व किया गया। आफ्टर बाईपासिंग कंबाइनर सीएफआर एंड सीडीआर इम्प्रूव फॉर द साइट, यानी साइट का जो आपका सीएफआर और सीडीआर था इम्प्रूव कर दिया गया, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साइट है ये, इसका एनालिसिस कैसे किया गया, एक साइट थी ये कंबाइनर की हेल्प से कैसे कैसे इशू शोर किया गया, ठीक। तो आज हमारी वीडियो में इतना ही, अगर आपको रिटेनेबिलिटी से केस आपको समझ में आए हो, उससे रिलेटेड काउंटर समझ में आए हो, थ्योरी समझ में आई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे मिलती रहें। धन्यवाद।